नमस्कार, मैं चंदन लोधी आपके अपने चैनल 5G मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज अपन नई सीरीज लेकर आया हूँ SSC CGL प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 3000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आप। यदि आप इन 3000 क्वेश्चन को कर लेंगे तो लगभग आपके प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आप आसानी से Tier 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अपन चैप्टर वाइज भी पढ़ाई चल रही है। अभी घात घातांक का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, 8 पार्ट बना चुके हैं, तो वो ना देखो तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आज से सीरीज स्टार्ट हो चुकी है SSC CGL प्रीवियस ईयर की। टॉप 3000 क्वेश्चन करेंगे अपन, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी। देखिए, सबसे आज का पहला सवाल, यदि 6 टेबल और 12 कुर्सियों का लागत मूल्य 12,000 है, यदि 15% लाभ पर टेबल और 10% हानि पर कुर्सियों को बेचने के बाद कुल लाभ 300 रुपये है, तो टेबल का मूल्य क्या होगा? ठीक, देखिए सबसे पहले इसको अपन बेसिक से बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक भी बता दूंगा या मिक्सचर एलिगेशन। ठीक, तो देखिए 6 टेबल और 12 कुर्सियाँ हैं, तो अपन क्या मान लेंगे, 6x+12y का मूल्य कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपये। ठीक, और यदि इसे 15% लाभ, इसका 15% देखिए 0.6, 10 इसका आधा 9, तो 0.9x। ठीक, प्लस इस लाभ पर मैच जा रहा है। ठीक, और 10% हानि कितने पर, 10% हानि, तो हानि कहने के 1.2y बराबर बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तो दिया हुआ है, इसका 10%, इसका ये 15%, 6 0.9। ये देखिए, यदि आप दशमलव हटाना है तो 10 का गुणा इसमें करेंगे, तो 10 का इसमें करेंगे, 10 का इसमें करेंगे, तो ये आ जाएगा 9x+, माइनस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस था, ठीक है, क्योंकि यहाँ हानि हो रही थी, तो 12 हो जाएगा बराबर 12 बाय, ठीक, ये 3000 हो जाएगा। ठीक, दोनों साइड 10 से गुणा किया, देखिए अब 12 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 9 3 15, 15x 9 6 15 बराबर 12 और 3 15,000, 15 एकम 15, तो x बराबर आ जाएगा 1000। जब x बराबर 1000 आ गया तो 6x बराबर, तो 6 × x यानी 6000 रुपये टेबल का मूल्य। यदि एक टेबल का पूछे तो 6000, यदि 6 टेबल का पूछे तो 1000, एक टेबल को 6 टेबल का 6000। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। देखिए, इसके अलावा अपन मिस्टर एलिगेशन से करेंगे, तो देखिए कितना 300 रुपये दिया हुआ है, इसको अपन बीच में लिखेंगे, इसका 15%, 15% लाभ। ठीक, 12,000 का 15% कितना होगा, देखिए 12,000 15% 1200 1200 10%, इसका आधा 6 1800 कितना हो जाए, 1800। अब इसका 10% हानि यानी 1200 1200। ठीक, अब देखिए हानि हो रही, माइनस में करेंगे, अब यहाँ देखिए 1800 में 1500 बचेगा। ठीक, 300 माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो 1500, देखिए 1500 1500 1:1 यानी आधा आधा हो रहा बराबर। ठीक, जैसे बराबर हो रहा 1:1, तो 12,000 दिया हुआ है, तो इसको अपन बराबर मार करेंगे, यानी 1 और 1 कितना हो रहा है, 2, तो 2 से भाग देंगे, 2 6 6000 रुपये, 6 टेबलों का मूल्य 6000 है, तो 1 टेबल का मूल्य 1000 रुपये। ठीक है, आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। आज का दूसरा सवाल, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो 1000 ए अपना ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है, तथा 8 वर्ष पहले यह अनुपात 6:13 था, तो 8 वर्ष बाद यह अनुपात क्या होगा? देखिए, अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाएँ, आपका टाइम भी ख़राब ना हो और आपको लाभ भी ज़्यादा हो जाए, हेल्प रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान 8:5
पांच, ठीक, और 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ए अनुपात कितना हो जाता है, 6:13। देखिए दो दो, अंतर दो ही दो का है, और तो 8 वर्ष बाद क्या होगा, देखिए यदि बराबर है और समय भी एक सा है तो 8 वर्ष बाद ये पहले था, ठीक है, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यदि देखिए 8 वर्ष में दो माइनस हो रहे थे तो बाद में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर सकते हैं 15 × 17 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। यदि देखिए यहाँ समय बराबर है तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ दो का माइनस हो रहा है, अनुपात में दो माइनस हो रहा है, दो तो इसमें दो ऐड होंगे, इसमें दो ऐड होंगे तो 10 × 2 = 17 अनुपात आ गया डायरेक्ट। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इस प्रकार से नहीं करेंगे, वो पूरा सॉल्व करेंगे, किस प्रकार करेंगे मैं बता रहा हूँ, देखिए 8:15, ठीक, ये वर्तमान दिया हुआ है, जिसका ये दिया हुआ है 6:13, दो दो में अंतर कितना है 8 वर्ष का, यानी 4 गुना, तो इसमें वो 4 के गुणा करेंगे, ठीक है, देखिए इसमें 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, इसमें 4 का करेंगे ये 60 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 32 8 वर्ष बाद, तो इसमें 8 क्या करेंगे, कई स्टूडेंट इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40, और इसमें 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 68, फिर इसको वो काटेंगे तो 4 से काटेंगे 10, और 4 एकम 4, 4 7 28, अनुपात वही आ रहा, लेकिन इसमें टाइम खराब होगा, इसलिए ए भी दी बहुत नंबर वन है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि देख 8 वर्ष में दो माइनस होता है तो जब बाद में पहले पूछते तो माइनस होते, बाद में पूछ रहे तो दो प्लस हो जाएंगे, 8 में 2 ऐड किए 10 अनुपात 17, डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक। ये देखिए अब देखिए ए 20 से 40% अधिक काम करता है, ए जो है वो 20 से 40% अधिक काम करता है, तो देखिए अपन डायरेक्ट जब पी पढ़े तो अपन डायरेक्ट लिख सकते 40%, ठीक, 40% यानी 2/5, यदि देखिए बी करता है 5 का है तो ए करेगा 2 ज़्यादा, तो बी कर रहा 5 तो ए करेगा 2+ ज़्यादा, ठीक, 7 करेगा, ठीक। अब देखिए और बी सी से 20% कम, देखिए यहाँ कम 1/5, तो 5 से 1 कम करेगा तो 4 करेगा, तो सी क्या करेगा 4 कम, ठीक है, करते हैं, यदि तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 5 दिन में समाप्त कर देते हैं, जब ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में समाप्त करते हैं, 5 दिन में, तो 7 × 5 = 12, 12 × 4 = 16, टोटल कार्य ये 16 करते हैं और 5 दिन में समाप्त करते हैं, 16 × 5 = 80, कितना कार्य करते हैं 80, ठीक है। अब देखिए तो पूरा कार्य का 70% ए अकेला कितने दिन में करेगा, जो पूरा कार्य है उसका 70%, देखिए ये पूरा कार्य 80 है, 80 का 70% बट्टे में 100 किए, और ए किस पूछ, ए की पूछ, तो ए का मान कितना है, सॉरी दोस्त देखिए पूरा कार्य 80 है तो अपन ने 80 लिखा, इसका 70%, 70/100, ठीक, और एक अकेला ए का निकालना, तो ए का मान कितना है 7, 7, तो 7 से काटा 10, 10 से 0, इससे 8, 8 दिन आंसर आ गया, ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व, ठीक दोस्त। दोस्तों यदि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, कोई भी आप मिस ना कर पाएँ। तो देखिए ये रहा आज का चौथा सवाल, ठीक, देखिए x² + y² + z² = 27/6 कोष्टक x + y + z दिया हुआ है, तो √3 x³ + y - a, ठीक, -z³ ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के सवालों करने के लिए डायरेक्ट देखिए यदि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चलता है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि क्या हो सकता है। देखिए जैसे इसको अपन x 3 माना, क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, वर्ग ए भी 9 हो जाएगा, ए भी 9 × 27, ठीक, तो देखिए 6 है, इसको भी 3 मानेंगे, इसको भी 3 और इसको भी 3, ठीक, 3 × 6 = 9, 9 × 6 कितना हो रहा है 54, तो ये भी 54 होना चाहिए, 27 + 27 = 54 बराबर आ रहा, मतलब
ठीक है, तो थ्री अपन यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए दी अपन को ज्ञात क्या करना है, ए दिया हुआ है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड थ्री और क्यूब, ठीक है। देखिए यहाँ थ्री का क्यूब करेंगे अपन, तो थ्री का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब माइनस थ्री का क्यूब अंडर रूट थ्री, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक। अब ये बचा कर्ण थ्री, तो इसको क्या लग सकते हैं, तीन बटा तीन, तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा, तो तीन अपना आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ये आंसर। यदि इसको इस पर देखिए ये है ए के ऊपर एन, ठीक, इंटू एम, तो इसको क्या लग सकते हैं, एम बटा एन लग सकते हैं। यदि आपने अभी तक कर्ण घात घातांक का चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाया है हाई लेवल तक, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। अब ये देखिए आज का पांचवा सवाल, देखिए किसी वस्तु का मूल 500 रुपये है, फिर उस पर क्रमशः 20% और 12% छूट दी गई, तो बताएं कितने रुपए में बेची गई। देखो मूल कितना है 500 रुपये, ठीक। अब इस पे पहले 20% छूट दी जा रही है, कितने परसेंट की, 20%, यानी 1/5 होता है, ठीक। फिर 12% की दी जाती है, तो 12%, ठीक, 3/25, ठीक। यदि आपने देखिए इसको किस प्रकार निकालते हैं, 20% 100, ठीक, 20 एकम 20, 20 25 100, इसी प्रकार इसको निकाल लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ क्या दी जा रही, छूट दी जा रही, यानी पाँच में से एक माइनस करेंगे, ठीक। जब छूट दी जाती है तो माइनस करते हैं, यदि लाभ हो रहा हो तो प्लस करते हैं, तो 5 से 4 हो जाएगा, यही 25 हो जाएगा, कितना, 3 माइनस करेंगे तो 22। देखिए यहाँ हो जाएगा 125 और ये गुणा करके 2 4 2 8, 4 2 8 88। देखिए कितने मूल्य, देखिए ये रहता है प्राइस और ये रहता है बेचने वाला, ये हो जाता है कॉस्ट प्राइस और ये हो जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कॉस्ट प्राइस दी 125, जिसमें 125 नहीं दी हुई, दी कितनी हुई 500 रुपये, इससे कितने गुना, 25 से 4 गुना, ठीक है दोस्तों। देखिए यदि क्या हुआ, ये 25 से कितना 4 गुना है, तो 88 से ये भी 4 गुना रहेगा, 4 8 32, हाँ ले 3, 4 8 32 और 3 33, 8 6 32, 3 8 6 32 और 3 35, ये आ जाएगा अपना आंसर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अभी तक चैनल पर जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। देखिए ये तो आंसर होगा विक्रमूल, ठीक। इसके अलावा इसकी दूसरी ट्रिक क्या है, देखिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ये दिया 5000, इस पर 20% की छूट, यानी 80/100, 2 0 से 0 8 5 400, देखिए 400 आ गया। फिर इस पर भी 12% की छूट, यानी 92, ठीक, 12% छूट हो जाएगी, 88, ठीक, इससे काट देंगे, ये देखिए 4 8 32, हाँ से लें 3 4 8 32, 3 35, ये आंसर आ गया, आएगा वही, ये ट्रिक बेस्ट है, इस तरह से आप करते रहें। उसके अलावा देखिए आप इसको बिना पेन परी के कर सकते, देखिए 20% है, 10% 50, 50 का डबल हो जाएगा 100, 100 माइनस कर देंगे 40, ठीक, 100 माइनस करें 400 हो जाए, 400 का 12% निकालेंगे, ये देखिए 10% ए होता है 1%, तो 12 × 4, 12 6 48, 48 से माइनस कर देंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कई प्रकार से कर सकते हैं आप। आज का छठवा सवाल देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, उस वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर 60% का लाभ होता है। देखो 800 तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, ठीक, लेकिन 20% छूट, छूट कितनी 20%, तो जब छूट देंगे तो 80 बचा और 60% का लाभ हो रहा है, ठीक, कितना 60%, तो 160 हो जाएगा, तो इससे अपन अनुपात में लेंगे तो 1:2 आ जाएगा, ठीक, 1:2 दिया कितना 800 रुपये, इससे 400 गुना ज़्यादा, ठीक, 4 × 2 8 हो जाएगा, तो इससे इसमें भी 400 का गुणा करेंगे तो ये 400 आ गया, देखिए 400 आया जी में, लेकिन वस्तु को 4072 में बेची जा रही थी, 4072 में, तो इसको कितने में बेच रहे, 472 रुपये में, यानी कितने ज़्यादा, देखिए
बहत्तर ज़्यादा, तो 72 माइनस बट्टे में 400 इंटू 4, 2 0 से 0, 4 एकम 4, 35, 4 8 32, यानी 18% का लाभ होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या किया, देखिए 20% छूट है तो 80, 20% और 60% लाभ तो 160, इसका अनुपात निकाला, 80 एकम 80, 80 दूनी 160, फिर इससे 400 400 4, इस 72 472 में जा रही है, यानी इससे कितने ज़्यादा, 72 ज़्यादा, किससे, 400 से, 400 से ये अपन भाग दे दिया, 18% आंसर, ए ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक, आइए देखते हैं आज का सातवां सवाल। देखिए ए बी सी की कार्यक्षमता 7:7:3:5 है, जो कि एक तीनों एक कार्य को 21 दिन में करते हैं। देखो ए बी और सी 7:3:5, और तीनों मिलकर कार्य को 21 दिन में करते हैं, 7, 10 और 15, 15 कार्य करते हैं, 21 दिन में कार्य कर देते हैं, तो टोटल 15 एकम 15, हासिल एक 15 दूनी 30 और 1 31, 351 काम करते हैं। ठीक है, टोटल कितने, 351। अब देखिए जी क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, 21 दिन में टोटल तो 315 दिन, लेकिन ए और बी, ए और सी ने 15 दिन तक मिलकर कार्य किया, ए और सी ने 15 दिन तक, ए और सी, ए कितना है 7 और सी कितना है 5, तो यानी 12 इंटू इनने 15 दिन कार्य किया मिलकर, कितने 15 दिन, तो 12 15 दूनी 30, ठीक बच्चे 3 15 3 18, 180 काम किया है इन लोगों ने, ए और सी ने मिलकर कितने 180 काम किया, तो 315 में से 180 माइनस कर देंगे अपन। ठीक, माइनस किया 5 3 1, 135 बचा, तब 135 कौन करेगा, ए, तो बचे हुए काम को बी, बचे हुए काम को कितने दिन में करा, अब बी, बी का कितना है 3, बी कितना 3 करता है, तो 3 चौको 12 बच्चा 1 3 5 15, 45 दिन में कार्य कर देगा, ऑप्शन 45 बी राइट। देखिए सबसे पहले इस प्रकार क्या करेंगे, देखिए ए बी सी का अनुपात है, टोटल ये 15 15 काम 21 दिन में पूरा करते हैं, ठीक, तो टोटल 315, तो देखिए बोला है ए और सी ने 15 दिन तक मिलकर कार्य किया, ए 7 अनुपात में करता और बी सी करता है 5 7 5 12, 15 दिन तक किया, 380 कार्य कर दिए। ठीक, तो बचा कितना 135, 135 अकेला बी को करना है, तो 300 अपन ने भाग दे दिया, 45 दिन में आंसर आ जाएगा। ठीक, 45 दिन कार्य करेगा। तो आज का आठवां सवाल दोस्तों, देखिए 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्या जो 5 और 7 से दोनों से विभाजित हो, यदि 5 अकेले से होती तो बात अलग रहती, 5 और 7 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो देखिए 5 और 7 यानी वो संख्या 35 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है, उसका 35 से भाग जाना चाहिए। तो देखिए इसको करने की जो आपको मालूम होगी, जब अपन नंबर आप 0 निकालते हैं, ठीक है, उसमें काम आते, देखिए इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 650 तक के निकालेंगे अपन, कि 35, तो इसमें क्या करेंगे 650 में अपन भाग दे देंगे 35 का। ठीक, 35 एकम 35, 35 दूनी 70 होता है, नहीं जाएगा, ठीक, इसका लगभग 18 बार जाएगा, 19 बार जाएगा तो ज़्यादा होगा, कितना 18, लेकिन अपन से पूछा कहाँ से, 300 से 650 तक, ये तो 1 से 650, तो अपन 300 में से माइनस करेंगे, तो 300 का भी निकालेंगे, 35 35 नहीं जा रहा, 35 8 35 में अपन 8 का गुणा करेंगे, 8 5 40, 4 8 3 24, 28 280, और 35 वो 300 से ज़्यादा हो जाए, यानी 8 बार जाएगा, तो देखिए तो अपन इसमें से माइनस 8 कर देंगे, तो यानी 10 अपना ऑप्शन 10 10 बार ऐसे जाएगा। इसको अपन प्रूफ करके भी बता दे रहा, देखिए प्रूफ करने के लिए 1 से 16 तक 5 से कितनी बार भाग जाएगा, ठीक, तो देखिए तो अपन ने 16 में देंगे, 5 से पूछा है, तो 5 1 5 5 2 5 3 15, 3 बार, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए सबसे पहले 5, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, 3 ही आ रहा प्रूफ, यानी ऑप्शन नंबर 10 राइट है। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों इसी तरह के अपन सीरीज आगे चलाते रहेंगे, कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा।
तो आज का 9वां सवाल देखिए, रमन एक कार्य को 5 दिन में करता है, ठीक, रमन एक कार्य को 5 दिन में करता है और जतिन उसी कार्य को 7 दिन में करता है, जतिन 7 दिन में करता है और सचिन उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, जो सचिन है वो 9 दिन में कर सकता है, ठीक। यदि वह कार्य को करते हैं तो उनके लिए उन्हें 2860 रुपये का मिलता है। देखिए यदि इनका एलसीएम निकालेंगे तो टाइम अपन को ज़्यादा लग जाता है, तो एलसीएम मत निकालना, ठीक, डायरेक्ट लिख देना 5 × 7 × 9, क्योंकि इनका एलसीएम निकाले इसका इसमें गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए ये है, अब यदि 5 का निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, 5 × 7 × 9, तो इससे 5 भाग देंगे, इसका चला गया 7 × 63, तो इसका कितना भाग गया 63, ठीक। अब देखिए इसी 7 का निकालना है तो इसमें 7 का दे देंगे, 9 × 5 = 45, इसका आ जाएगा 45। अब 9 का निकालना है तो 9 से माइनस कर दे, 7 × 5 = 35, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये निकल आया तो इनको रुपया कितने मिल रहे हैं, 2860 रुपये, तो इनको अपन ऐड करेंगे, तो देखिए ऐड किया 5, 10, 13, हासिल 1, 6, 4, 10, 3, 13, 1, 14, इतना जी इतना नहीं मिल रहा है पैसे, इतना मिल कितना रहा है 2860, इससे कितने गुना है 20 गुना, 2 का इसमें गुना देंगे इतना आ जाता है, ठीक, तो 20 गुना है। तो अपन से पूछा किसका है, रमन का, रमन रमन का 63, तो 63 में अपन 20 का गुना कर देंगे, 0 का 0, 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, ये अपना आंसर आ जाएगा। यदि जतिन का पूछते तो 45 में गुणा कर देते 20 का, यदि सचिन का पूछते तो 35 में गुणा कर देते, आराम से आ जाता। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंडों से भी सब्सक्राइब करवाएं। मात्र फ्रेंड्स मोबाइल लेकर 5G मैथ रीजनिंग चैनल कर सर्च करके आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं और अपनी फैमिली को आगे बढ़वा सकते हैं, आपका परिवार ज़्यादा हो जाएगा, ताकि मैं लाइव आके पढ़ा सकूं आपके लिए और अच्छा कुछ बेहतर कर सकूं और गरीब बच्चों की हेल्प कर सकूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज का लास्ट सवाल है जो देख लीजिए, ए है SSC CGL मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, SSC CGL मेंस का क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए सुभाष ने एक बाइक इस शर्त पर खरीदी कि उसे 1620 खरीदने, किसी से भी एक बाइक खरीदी, उसने बोला मैं 1620 खरीदते समय दूंगा, ठीक, और 3 किस्तें दूंगा जो कि 2178, 2299, 2662 देने होंगे और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 10%, तो बाइक की कीमत ज्ञात करें, ठीक, 10% है तो यानी 1/10, ठीक, इतना तो आपको मालूम होगा, देखिए 10% × 1, 10 × 1, 10 × 10, 10 × 2 ये आ जाता, ठीक, इतना तो आराम से। देखिए इसको करने के लिए एक ट्रिक रहती है जो मैं चलिए बता देता हूँ, जितना अभी तो पूरा डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस सेट लगा रहे अपन, जब चक्रवर्ती ब्याज समझाऊँगा तो ऐसे समझा दूँगा 5 से 10 सेकंड में आसान क्वेश्चन देने लगेंगे और जब भी CI या SI के क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो बोनस रहेंगे, ये मेरी गारंटी, जब भी मैं समझाऊंगा तो इतनी बेहतरीन समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा और 5 से 10 सेकंड में पढ़ाने लगेंगे चुटकियों में, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बोनस पॉइंट रहते हैं, जब भी क्वेश्चन में आते हैं, जब भी एग्जाम में आएंगे वो आपके लिए बोनस पॉइंट रहेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक। देखिए जब ये दिया हुआ तो क्या करते हैं, जैसे 2 साल दिया होगा तो, ठीक, 2 साल तो 1 साल के लिए 10 से 11, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है, फिर दूसरे साल के लिए 100 से 121, ठीक, इसका वर्ग तो यानी 1 का वर्ग, ठीक। यदि 3 साल दिया हो, 3 साल के लिए 10 से 11 और 100 से 121 और तीसरे साल 1000 से 1331 यानी 1 का क्यू, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ दिया 3 किस्त दी हुई हैं, ठीक, कितनी 3 किस्त और दर कितनी है 10%, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से 11 हुआ, 10 से 11, फिर 100 से 121 होगा, फिर 1000 से 1331 होगा, ठीक। अब देखिए सब लास्ट तीसरे साल की किस्त कितनी है 2662, यानी इससे कितने गुना है 2 गुना, तो 2 गुना है तो 2 का इसमें भी गुना करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगी 2000, कितनी हो जाएगी 2000, ठीक। अब देखिए दूसरे साल की किस्त कितनी है 2299, इससे कितने कितने गुना ज़्यादा 19 गुना ज़्यादा, तो इसमें भी 19 के गुणा करेंगे
ये हो जाएगा 1900 रुपये। ठीक, ये देखिए 1100 कितनी, 2178 है। इसमें किसका गुणा करें कि आ जाए, तो इसका भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 होगा नहीं तो 1 11 9 99 और 88 198। ठीक, तो इसमें भी 198 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1980। तो देखिए इन सब को ऐड करेंगे, 1980 फिर ये 1900 फिर ये 2000। ठीक, इनको ऐड किया 2 8 9 9 18, हाँ सर 1 4 1 5 5800। देखिए 5800 तो एक किस्त का पैसा हुआ, लेकिन उसने 1620 रुपये खरीद समय में दिया था, तो 1620 भी ऐड होगा क्योंकि उसने दिया 10 का 0 1 8 9 15 1 6 और 1 75। बाइक की जो कीमत है वो 7500 रुपये हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जब भी रहते यदि 3 साल के रहते तो वर्ग करते, यदि 2 साल के लिए वर्ग, यदि 3 साल के लिए क्यू, यदि वो इसी 4 साल के लिए इसका फोर कर देंगे,